सो बेटा न्यू चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में इसको EMI या EMI भी बोलते हैं। तो प्रश्न ये तैयार होता है कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? तो ये एक बेटा प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है, लेकिन उसको देखने के पहले, उस क्वेश्चन को देखने के पहले, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके पहले ये क्वेश्चन बेटा पहला कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये दो डेफिनेशंस बेटा हम पहले देख लेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और फिर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स ये फाई से डिनोट किया जाता है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स ये फाई ये सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल PHI फाई। और मैग्नेटिक फ्लक्स होते क्या है? तो देखो ये है बेटा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। फोर्स शब्द यूज होता है या फिर इंडक्शन शब्द यूज होता है, एक ही बात है। तो क्या लिखा पढ़ो बरा फिर से, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये वाले यानी जितने भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, ये कुछ लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ हमने ड्रॉ की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक कॉइल से पास हो रही है, किससे बेटा? और वो कॉइल भी परपेंडिकुलर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है बेटा कॉइल? परपेंडिकुलर। तो ये देखो बेटा कॉइल ये परपेंडिकुलर रखा। कॉइल एक तो सर्कुलर होता है बाबू या फिर रेक्टेंगुलर होता है, ऐसा एक तो सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर। तो यहाँ अभी जैसे सर्कुलर ड्रॉ किया, आप बोलेंगे तो लगे तो मैं यहाँ रेक्टेंगुलर भी ड्रॉ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बेटा रेक्टेंगुलर कॉइल, तो ये कॉइल है रे बाबू। तो ये कॉइल जो है, ये कॉइल को ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्रकार से रे बाबू, इस प्रकार से ये कॉइल ऐसा रखा देखो, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसको परपेंडिकुलर है। कैसे रे बाबू? परपेंडिकुलर है, यस। तो ये जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से पास हो रही है, इसकी संख्या को, इसके नंबर को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू AB। ए यानी इस कॉइल का एरिया, और बी यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है उसकी इंडक्शन यानी उसकी स्ट्रेंथ।
जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, बी को मैग्नेटिक इंडक्शन। यस, तो डेफिनेशन इसकी अगर हम देखने जाए तो क्या होगी डेफिनेशन फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की? द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली टू द कॉइल, टू द कॉइल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड फाई इक्वल टू ए बी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द कॉइल। और इस फाई का यूनिट है बेटा वेबर। क्या फार्मूला है? यूनिट है वेबर। वेबर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वेबर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और फिर उसका हम डायमेंशन भी फाइंड करेंगे। तो पहले बेटा देखो, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स ये फाई से डिनोट की जाती है बेटा, फाई से। तो अभी मैंने ये फिगर से बताई कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, फोर्स शब्द लिखना है या इंडक्शन लिखना है एक ही बात है। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू ए कॉइल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई फॉर्मूला, फाई इक्वल टू ए बी, वेयर ए इक्वल टू एरिया ऑफ द कॉइल एंड बी यानि मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल। यानी ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, जितनी भी लाइंस पास हो रही है उसकी इंडक्शन बी, कॉइल का एरिया ए, और ये जो संख्या पास हो रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। तो ये फाई इक्वल टू ए बी, वेयर ए यानी एरिया ऑफ द कॉइल। जैसे कि वो रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल एक तो सर्कुलर होता है बोला या फिर रेक्टेंगुलर होता है, और बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल। ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स पास हो रही है इस मैग्नेटिक लाइन्स की स्ट्रेंथ पावर, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बी से डिनोट किया जाता है, तो बी एन ए मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉइल। अभी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेबर, वेबर है रे बाबू, शॉर्ट में लिखा जाता है डब्ल्यू बी। और उसका डायमेंशन, डायमेंशंस, तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए, फाई के डायमेंशन फाइंड करने के लिए बाबू पहले बी के डायमेंशन फाइंड करने होते हैं, क्योंकि ए यानी तो एरिया है, उसके डायमेंशंस तो ऑलरेडी मालूम है स्क्वायर ब्रैकेट में एल टू, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या है रे बाबू? मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर यानी लेंथ,
स्क्वायर वैसा ही, तो एल टू स्क्वायर ब्रैकेट में है एल टू, वो तो आसान है, उसको दिमाग ही नहीं लगता। अब प्रश्न है बी का, बी का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं एक आपको और एक नोट बताता हूँ, उसको ख्याल में रखो, सामने हमें उसको देखना ही है दूसरे चैप्टर में। देखो बाबू, एक फार्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी। क्या फार्मूला रे बाबू? F इक्वल टू क्यू वी बी। F यानी फोर्स, वो चार्ज पे लगने वाला, Q यानी वो चार्ज, V यानी उस चार्ज की वेलोसिटी, और B यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, जिस मैग्नेटिक इंडक्शन में ये चार्ज एंटर करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी मैग्नेटिक इंडक्शन भी है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो अभी ध्यान दो, आपके रेफरेंस के लिए आसान सी फिगर बताता हूँ। ये क्रॉसिंग के फॉर्म में ये मैग्नेटिक इंडक्शन ड्रॉ किए रे बाबू बी। इस मैग्नेटिक इंडक्शन में एक चार्ज क्यू ने एंट्री ली और उसकी वेलोसिटी है वी। किसकी? वो चार्ज की, चार्ज क्यू, उसकी वेलोसिटी वी। जब वो एंटर हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन बी। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ रे हुआ ये चार्ज, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाती है। क्या लगाती है रे बाबू? एक फोर्स, और वो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। क्या होता है फोर्स? F इक्वल टू क्यू वी बी। तो ये F यानी फोर्स उस चार्ज के ऊपर जो लगाया जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यानी मैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, Q यानी वो चार्ज, V यानी उस चार्ज की वेलोसिटी, और B यानी वो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फार्मूले से बी जो है उस बी का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे ये मैं इधर आपको बता देता हूँ, यही नोट बता रहा था मैं आपको, तो यहाँ जगह नहीं इसलिए वही नोट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में, वहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। तो F इक्वल टू क्यू वी बी, तो फिर बताओ B इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर ये F वैसे ही और ये Q इंटू वी इधर लाया तो डिवाइड हुआ, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो देयर फोर राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो B इक्वल टू F अपॉन Q इंटू वी। तो फोर्स का, फोर्स यानी बताओ सर, फोर्स यानी होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है रे? मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये Q यानी चार्ज। अच्छा चार्ज यानी क्या होता है बताओ पर सर? चार्ज यानी इट होता है, I इंटू टी यानी करंट इंटू टाइम, और वेलोसिटी तो वैसे ही। फिर से बताओ क्या किया सर? फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, यस, और चार्ज यानी करंट इंटू टाइम, I इंटू टी। शॉर्ट में मैंने बताया चार्ज Q यानी चार्ज Q को ये I इंटू टी यानी इट बोलना आपने समझने के लिए, तो Q इक्वल टू इट समझने के लिए, जिसमें I यानी करंट, T यानी टाइम, तो चार्ज यानी करंट इंटू टाइम, और ये वेलोसिटी वैसे ही। अब इसके यूनिट बताओ मुझे, मास का यूनिट क्या है? kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, अच्छा अपॉन में करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। देखो प्रॉपरली सब बरोबर लिखा कि नहीं, तो मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अभी जो कुछ भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो बरा। हाँ सर, ये मीटर मीटर कैंसिल, सर सेकंड और ये वाला सेकंड कैंसिल, तो बचा क्या सर? ये kg यानी kg 1, सर ये एम्पियर कुछ भी नहीं यानी 1, अप लिया तो a-1, ये सेकंड स्क्वायर अप लिए तो s-2, तो इसका डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में बताओ सर? lmt लेंथ मास टाइम,
और सर ये एम्पियर है ए, इसलिए ये सर 34 सीट ए के लिए। तो लेंथ यानी मीटर नहीं है सर, जीरो। मास यानी केजी, वन है सर। टाइम यानी सेकंड, माइनस टू। और एम्पियर सर माइनस वन। हाँ, ये आ गया बी का डायमेंशन। अभी अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके ऊपर से बहुत सारे डायमेंशंस ऑटोमेटिकली मिलते हैं, तो इसको दिमाग में फिट ही रखो। अब आप देखेंगे कि इसी बी के ऊपर से मैं आपको फाई का डायमेंशन भी बताता हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी, इसलिए दिमाग में फिट कर लो। आया कैसे ये डिटेल में मैंने आपको बताया, और लाना कैसे है तो कंसेप्ट भी बताया। तो ये देखो बेटा, बी मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन फिट ही कर लो दिमाग में। एल जीरो, एम वन, टी माइनस टू, ए माइनस वन। ये एल तो जीरो है, इसलिए उसको याद भी नहीं रखा तो चलता है। तो ये एम वन, टी माइनस टू, ए माइनस वन। यस सर, बी का डायमेंशन। अरे तो फिर फाई इक्वल टू फार्मूला क्या है, ए बी। यस, तो फिर डायमेंशन फाई का, तो ये देखो स्क्वेयर ब्रैकेट में फाई इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट में ए इंटू स्क्वेयर ब्रैकेट में बी। स्क्वेयर ब्रैकेट यानी डायमेंशन के लिए यूज कर किए जाते हैं। एरिया, ये तो सिंपल ही है, एरिया का मैंने कई बार बताया, या फिर से लगे तो बता देता हूँ कि एरिया का यूनिट क्या है। तो सर मीटर स्क्वेयर है, तो डायमेंशन क्या रहेगा स्क्वेयर ब्रैकेट में, सर मीटर यानी ये लेंथ एल और ये पावर टू वैसे ही। तो सर एरिया जो है इसका डायमेंशन एल टू स्क्वेयर ब्रैकेट मेरे बाबू रे एल टू, क्लियर क्या। हाँ, तो ये फाई का डायमेंशन वैसे ही इक्वल टू ए का डायमेंशन एल टू, और सर बी का डायमेंशन तो अभी हमने मिलाया एल जीरो, एम वन, टी माइनस टू, ए माइनस वन। तो एल जीरो, एम वन, टी माइनस टू, ए माइनस वन। तो ये फाई का डायमेंशन वैसे इक्वल टू, ये देखो बेटा दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए पावर की प्लस होती है। तो ये एल, ये एल, तो टू प्लस जीरो यानी टू, ये एम वन, ये टी माइनस टू, और ये ए माइनस वन। तो ये आ गया बेटा बी का फाई का डायमेंशन। तो आप देखेंगे बी का जो डायमेंशन था वही फाई का होता है, एक्स्ट्रा का ये एल टू होता है, क्योंकि यहाँ एल जीरो है और यहाँ एल टू है, बाकी ये पूरा जैसे थे। तो ये आ गए बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व है वो टर्म्स, उसका एसआई यूनिट वेबर, वेबर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उसका डायमेंशन फाई का डायमेंशन एल टू, एम वन, टी माइनस टू, ए माइनस वन। और ये फाई का डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमें बी का डायमेंशन चाहिए था, तो उसका मैंने आपको ये नोट के रूप में कंसेप्ट बताया और बी का ये डायमेंशन बताया बाबू। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमने बता दी रे बाबू रे, अरे इसी मैग्नेटिक फ्लक्स से अभी मैग्नेटिक इंडक्शन आता है रे बाबू। ये जो फार्मूला है फाई इक्वल टू ए बी, तो अगर मैंने पूछा फाई इक्वल टू ए बी तो बी इक्वल टू कितना रे, तो आप बोलेंगे सर फाई अपॉन ए। लेकिन फाई तो आपको मालूम है सर मैग्नेटिक फ्लक्स, अपॉन अपॉन को बोला जाता है पर यूनिट, और ए यानी एरिया। अरे किसका सर, कॉइल का। वो कॉइल एक तो रेक्टेंगुलर होता है, नहीं तो सर्कुलर होता है, उस कॉइल का एरिया। तो फिर बी की डेफिनेशन क्या आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज डिनोटेड बाय बी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज अ, फाई का एसआई यूनिट क्या था रे बाबू, सर वेबर। एसआई यूनिट क्या था और एरिया का क्या होता है रे, एसआई यूनिट ये अभी बताया ना, मीटर स्क्वेयर। तो फिर बी का एसआई यूनिट क्या आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वेयर। क्या रे बाबू रे, वेबर पर मीटर स्क्वेयर। वेबर पर मीटर स्क्वेयर कोई दूसरा नाम है बाबू, टेस्ला। क्या बात करते सर, टेस्ला तो कार होती है। टेस्ला वो कार कंपनी अलग, टेस्ला वो कार कंपनी
अलग, मैं यहाँ साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम भी टेस्ला। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला, और उसका डायमेंशन वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। डायमेंशन बोलो रे, क्या है बी का डायमेंशन बाबू? एल जीरो एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन, यही। फिर इसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हमें लिखना है, तो पहले ये मेंशन कर लो। ओके रे बाबू, यस। हाँ सो बेटा, सेकंड डेफिनेशन इसमें की ये है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ये बी से डिनोट किया जाता है, और ये डेफिनेशन देखो बेटा, बी की डेफिनेशन यही से आता है, यही से आती है। फाइ इक्वल टू क्या है? ए बी। तो बी इक्वल टू क्या आएगा? फाइ अपॉन ए, फाइ अपॉन ए। तो बी का फार्मूला क्या हुआ? बी इक्वल टू फाइ अपॉन ए। तो मैं पहले फार्मूला ही लिख लेता हूँ। फार्मूला बी इक्वल टू फाइ अपॉन ए। अब इसी फार्मूले के ऊपर से डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ। तो ये डेफिनेशन तो देखो, फाइ एन ए, तो अभी तो बताया फाइ एन ए ये मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइ एन ए। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन यानी रे बाबू पर यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट ए, ए यानी क्या रे बाबू? एरिया ऑफ द कॉइल। ए कौन होता है रे? एरिया ऑफ द कॉइल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई अपॉन यानी पर यूनिट, ए यानी एरिया ऑफ द कॉइल, इज इक्वल टू यानी इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा किससे डिनोट किया जाता है? बी से। तो इट इज डिनोटेड बाय बी, ये बी से डिनोट की जाती है। सो इसलिए इट इज डिनोटेड बाय बी, और इसका फॉर्मूला है बी इक्वल टू फाइव अपॉन ए। अब इसका एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट है। देखो फाइव का तो मैंने बताया ना बाबू वेबर, फाइव का एसआई यूनिट मैंने बताया आपको वेबर। ये देखो एसआई यूनिट फाइव का वेबर, एरिया का मीटर स्क्वेयर, तो एसआई यूनिट। तो देखो ये एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज फाई का वेबर पर एरिया का मीटर स्क्वेयर, वेबर पर मीटर स्क्वेयर, डब्ल्यू बी शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा नाम वेबर मैंने बताया। और डायमेंशंस, डायमेंशन तो ऑलरेडी बताया ना रे बाबू, ये देखो ना डायमेंशन, बी का डायमेंशन स्क्वेयर ब्रैकेट में एल जीरो एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन। तो बी का डायमेंशन स्क्वेयर ब्रैकेट में ये देखो एल जीरो एम वन टी माइनस टू ए माइनस वन, टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये बी मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन। क्लियर क्या रे बाबू? क्लियर बोलो, यस। मीनिंग क्लियर क्या पहले ये बताओ? चिराग क्लियर? हाँ चिराग की बात नहीं कर रहे, आप सब चिराग हो अपने अपने माता पिता के, है ना, वंशाचा दिवा। तो चिराग क्लियर, चिराग यानी फिर दिया, है ना।
हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, लोगों ने शर्त हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज़्यादा प्यासा, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा रखी है। आमीन।